अच्छा अभी जो आपका ये शेखियां चल रहा है, ये उसमें आपने बड़े करेक्टर्स के, इवन कि मैं आपका वो बकरा ईद पे देख रही थी, आप बकरा भी बने हुए थे, और वो ये करेक्टर्स भी पूरे सोचते हैं और करना, राइटिंग भी आपकी अपनी होती है। हाँ हाँ मेरी अपनी होती है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यार के ना डिफरेंट करेक्टर्स और इस तरह से भी करके देखूँ। इसके अलावा भी ना और भी मैं चीज़ें करने का कर रहा हूँ प्लान, क्योंकि ना कॉमेडी है, कॉमेडी को ना जितना एक्सपेंड करो लोगों में जितना फैलाओ तो वो अच्छा रहता है। अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है चीज़ों पे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आप फैसलाबाद जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जुगत भी मिलती है, लाफ्टर्स भी मिलती है, लेकिन आपका जो अपना एक अंदाज है, क्योंकि आम तौर पे ना जुगत के बगैर हंसाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप खुद तो बहुत ज़्यादा जुगते नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ बात से बात पकड़ के कैच करते हैं करते हैं, तो ये खुद से कभी आपने सोचा है कि कुछ जुगत ईजाद की और जुगते भी लगाई हो, कुछ इस तरह का सिस्टम किया हो? नहीं नहीं, मैं खुद जुगते नहीं लग रहा। ठीक है सब, हर एक अंदर टैलेंट होता है, ठीक है। मेरा सबसे बेस्ट टैलेंट ये है कि मैं जुगत खाता बड़ी अच्छा। अच्छा, यानी जितनी जुगते मुझे पड़ गई हुई हैं, ठीक है, कोई एंकर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं होगा जिसको इतनी जुगते पड़ गई हो, ठीक है। आप दिखा दे, कोई कॉमेडियन ऐसा नहीं है जिसने मुझे जुगते ना मारी हो, ठीक है। अब मैं फैसलाबाद गया और फैसलाबाद से मुझे जो जुगते पाड़ी है ना, बस मेरा उधर ही पेट फुल हो जाता है। बस सुना क्या कहते हैं, बल्कि कल एक ना कोई था एक्टर है ग्रुप में ना, पूछ रहा था यार मैं फैसलाबाद है, मुझे ना फैसलाबाद की सबसे अच्छी खाने वाली चीज़ों के बारे में। मैंने कहा सबसे अच्छी तो उधर जुगते मिलती है। मैंने कहा मैं गया था, जो जुगते मैंने खाई है ना, मेरा तो ऐसा पेट फुल हुआ है कि कभी नहीं हुआ था। आपको कभी जुगते पड़ी? अच्छा नहीं सर, मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। आप मीन कि आप तो इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं मार्केट में मौजूद हूँ ना, तो मैं आमतौर पर ऐसा टोला इग्नोर कर देती हूँ कि जो जुगते लगाए, पता नहीं क्या बात है, मुझे इतना खौफ है जुगते लगने का। वैसे मैं बताऊँ, रिस्पेक्टफुली ना खवातीन को जुगते मारनी नहीं चाहिए। हाँ, और आप लोग भी नहीं पसंद करते औरतों, मगर कुछ ऐसी शक्लें होती हैं उन पे ना जुगते ना वो होता है कि यार उन पे जुगते पड़नी चाहिए। जैसे कि आपके एक प्रॉब्लम है, एक नेचुरल प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, आप इसको प्रॉब्लम कह रही हैं? नहीं नहीं, 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 एक नेचुरल है ना, एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है। हाँ हाँ, आपको नहीं पता, अब मैं बताऊँ, इसकी वजह से ना मैं बड़ी जगहों पे ना मेरे फायदे हुए हुए हैं, ठीक है। बचपन में जब मैं स्कूल में होता था, ठीक है, कोई टीचर पूछते थे यार टेस्ट सुनाओ, ठीक है, मैं ऐसा अड़ता था, ऐसा अड़ता था कि मैं तुम बैठ जाओ, ठीक है, डन 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 डन, तो आ रहा होगा। यस यस यस, मेरे अब्बा जी जब मुझे ना डांटते थे, ठीक है, मैं जवाब देते ऐसा अड़ जाता था, अब्बा जी ना सर साग कहते, ठीक है ठीक है ठीक, तो मुझे ना बड़ी जगह फायदा हुआ है, ठीक है। कोई ना पुलिस वाला, कोई ना देखे ना, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पढ़ते रहो चलान करने का, कोई कोई मैं ऐसा अड़ता हूँ कि यार अगला कहते नहीं जा 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 जा, कोई ना मुझे बड़ी जगहों पे ये फायदा हुआ है, तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं समझता। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और आपकी पर्सनालिटी को ये सूट कर गया, और हर चीज का सोल्यूशन है इसमें, हर चीज का सोल्यूशन है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, ये अभी मुझे अड़ने से याद है, अक्सर ये सब कोरोना में ना ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, तो वहां पे बच्चे बड़ा ऐसे करते थे कि वो सुनाते सुनाते ना रुक जाते थे, जैसे नेट बफरिंग स्टार्ट हो गई है तो पीछे से लोग गुजर रहे होते थे और वो रुके होते थे कि शायद नेट बफर कर रहा है, और टीचर पकड़े थे बेटा आपका नेट ठीक है, पीछे पका चल रहा है, वो तो रुका नहीं, तुम रुक गए, तो ये आपका तो फिर नेचुरल था, आप तो वैसे रुके, चलो जी टाटा बाय बाय, मैं ठीक हूँ। और एक और मेरा मिशन हुआ हुआ, मेरा ना वजन काफी बढ़ गया, तो मैं कुछ करूँ वजन का, तो आपके पास कोई तरीका है वजन कम करने का? आइडिया दे दे। नहीं वैसे सर, मैं खुद भी हेल्दी हूँ, लेकिन अगर कभी मैं स्मार्ट होने लगा तो मैं सिर्फ वॉक से होती हूँ, वॉक के अलावा, क्योंकि मुझसे डाइटिंग तो होती नहीं है बिल्कुल। तो ये वॉक कब करना शुरू करनी है आप? सर वॉक मैंने शुरू की हुई, क्योंकि मेरा वेट था 95 kg भी, तो अब 68 हो गया। नहीं यानी आप इससे भी मोटी थी? सर मैं बहुत मोटी थी। अभी आप पतली हो गई? मैं बहुत पतली हो गई। ये भी पतली है? हाँ जी। तो इससे मोटा क्या होता होगा, ये तो आप कुर्सी पे भी नहीं देख पूरी आती होंगी। देख लें, अब जिन्होंने इंस्पिरेशन लेनी है वो ले सकते हैं, और मुझसे वाकई टिप्स ले सकते हैं।